आदरणीय श्री अंजलि जयपुरिया मैम, प्रधानाचार्य प्रोमनी चोपड़ा मैम, यहाँ आए मेरे मित्रों और अध्यापक तथा अध्यापिका गणों, मैं आज आप सबको स्वागत करता हूँ इस कवि सम्मेलन में। मैं प्रखर पांडे, क्लास 12 ए का छात्र, अपनी पहली प्रस्तुति करने जाऊंगा जिसका शीर्षक होगा तलाश। इसके बाद मैं संचालन की जिम्मेदारी लाइबा और रोशनी को दूंगा। सबसे पहले मेरी कविता प्रस्तुत है जिसका शीर्षक होगा तलाश। कल संध्या खेलकर घर आया, अपने पिता को मुस्कुराता पाया। एक प्रश्न तभी जगमगा उठा, पापा क्या आपका बचपन भी ऐसा था? उन्होंने कहा, बारिश के पानी में चलती कागज़ की मेरी एक नाव थी, कागज़ की मेरी वो एक नाव थी, कागज़ की मेरी उस नाव में चलती मेरे कुछ अरमान कुछ ख्वाब भी थे। कई सालों से ढूंढ रहा हूँ उस कागज़ की नाव को, मैं ढूंढ रहा हूँ, न जाने कहाँ चली गई। एक बेपनाह से मन के अरमान थे और कई ख्वाब थे, उन ख्वाबों को भी मैं ढूंढ रहा हूँ, न जाने कहाँ चले गए। मित्रों के मुख पर मेरे एक हंसी थी एक मुस्कान था, जब लोगों के दिलों में धन का लोभ नहीं, जब लोगों के दिलों में धन का लोभ नहीं था, परंतु मगन रहने की राह में रहते थे वो। उस राह को मैं खोज रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। बारिश के पश्चात इंद्रधनुष थी, लहराती थी मेरी खुशियाँ, परंतु आस में आजकल दिन बीत जाते हैं, उन खुशियों को मैं ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गए वो दिन, पता नहीं कहाँ गए वो दिन। मैंने फिर उनसे पूछा, आपको क्या लगता है पापा? उन्होंने फिर मुझसे पूछा, मुझे भी नहीं पता, कहीं भी हो सकते हैं, परंतु एक चीज़ तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ उन बादलों को जिनमें मैं हाथी घोड़े पालकी बनाया करता था, मैं ढूंढ रहा हूँ उन बादलों को जिनमें मैं हाथी घोड़े पालकी बनाया करता था, मैं ढूंढ रहा हूँ उन चांद को जिसमें मुझे कभी एक मामा दिखा करता था, परंतु अब वो रिश्ते कहाँ हैं, परंतु अब वह रिश्ते भी नहीं हैं और ना वह दृष्टि भी नहीं है, वह रिश्ते ही नहीं हैं, वह दृष्टि ही नहीं है। तो मैं आज पूछता हूँ, वो दृष्टि क्यों नहीं है, वो दृष्टि कहाँ गई, वो रिश्ते कहाँ गए? मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, और वहीं बैठकर मुझे सोचने के लिए छोड़ गए। एक अनगिनत असीमित रास्ते पर वो आगे चले गए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रोहित सती, कक्षा 12वीं का छात्र, आपके सामने दो छोटी छोटी कविताएं प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है धूप छाँव। धूप कड़ी तो छाँव अत्यंत शीतल है, निशा अमावस तो भोर बहुत उज्जवल है, भूख अधिक तो भोजन में बड़ी मिठास है, श्रम अधिक तो विश्राम भी अमृत समान है, डूबते को तो तिनका भी नौका के समान है, तो फिर अधिक दुखों के आने पर रोना कैसा, जरा अधिक परिश्रम से घबराना कैसा। जीवन के असली सुख के सुख को पहचानने में दुखों का अपना ही स्थान है, अपने जीवन के कष्टों का कभी शोक ना मनाना, क्योंकि मुक्ति के बोध में कष्टों का बड़ा योगदान है। मेरी अगली कविता है दर्पण। जब मैंने दर्पण देखा तो दृश्य कुछ धुंधला था, मुझे लगा दर्पण खराब है, तब मैंने दर्पण को कोसा था, फिर मैंने ही उसको बदला भी था, किंतु दृश्य तो तब भी धुंधला था। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे ऐनक में खोट है, तब मैं समझा कि समाज तो केवल दर्पण है, मेरे ही और के ऐनक में मैल की खोट है। अब मैं वह ऐनक को उतार रहा हूँ, अब मैं उस खोट को धो रहा हूँ, अब मेरा यही पक्ष है कि सब कुछ शीतल और स्वच्छ है। धन्यवाद। अब हमारे बीच कविता प्रस्तुत करने आ रही हैं कक्षा 12वीं ई की 4वीं सरोज। नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम 4वीं सरोज है और मेरी कविता का शीर्षक है शब्दों के सही अर्थ। विजय की वास्तविक अर्थ का ज्ञान उसी को पता है जो हारा हो, सुखों का सच्चा आभास उसी को है जो दुखों को झेल कर ठेल कर उठाओ उससे ऊपर, प्रेम का आनंद उसे ही जो लड़कर अपने द्वेष से उठाओ उससे ऊपर,
लक्ष्य की उपलब्धि का एहसास उसे ही जिसने कड़ी मेहनत की है। इस जीवन चक्र में जो गिरता है वही उठता है, जो टूटता है वही जुड़ता है, जो डगमगाता है वही संभलता भी है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ऐसा नहीं कि जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, बुरा वक्त ही हमें सुख के पलों का असली एहसास बताता है। हम ठान लें कि वक्त से ना रूठेंगे कभी, संघर्षों से ना टूटेंगे कभी, जो हार कर धूल झाड़ कर उठ खड़ा हो वही है जीत का वास्तविक उम्मीदवार और हकदार। हमारी अगली वक्ता कक्षा 12वीं एफ से समृद्धि रस्तोगी हैं। मेरी कविता का शीर्षक है जब चांद का धीरज छूट गया। जब चांद का धीरज छूट गया वह रघुनंदन से रूठ गया। जब चांद का धीरज छूट गया वह रघुनंदन से रूठ गया। बोला रात को आलोकित हमने ही तो करा है, स्वयं भगवान शिव ने हमें अपने मस्तक पर स्थान दिया है। आखिर तुमने ही तो किया उपयोग हमारा है, हमारी ही चांदनी से सिया को निहारा है, सीता के रूप को हम ही ने तो संवारा है, चांद के तुल्य उनका मुखड़ा निखारा है। जिस वक्त याद में सीता की तुम चुपके चुपके रोते थे, उस समय संग में बस हम ही तो जागते होते थे। संजीव नहीं लाऊंगा लक्ष्मण को बचाऊंगा, हनुमान ने कर तो दिया तुम्हें आश्वस्त, लेकिन अपनी चांदनी बिखरा कर मैंने ही तो किया उनका मार्ग प्रशस्त। तुमने हनुमान को गले लगाया मगर हमारा तो नाम भी ना आया। रावण की मृत्यु से मैं भी प्रसन्न था, तुम्हारी विजय से प्रफुल्लित मन था। मैंने भी था आकाश से पृथ्वी पर झांका, गगन में सितारों को बड़े प्रेम से टाका। सबने तुम्हारा विजय उत्सव मनाया, सारे नगर को दुल्हन से सजाया। इस अवसर पर तुमने सभी को बुलाया, बताओ फिर तुमने मुझे क्यों भुलाया? क्यों तुमने अपना विजय उत्सव अमावस की रात को मनाया? अगर तुम अपना उत्सव किसी और दिन भी मनाते, आधे अधूरे ही सही हम भी शामिल हो जाते। मुझे सताते चिढ़ाते हैं लोग, लेकिन आज भी दीपावली अमावस में मनाते हैं लोग। तो राम ने कहा मित्र क्यों व्यर्थ में घबराता है, जो कुछ खोता अरे वही तो कुछ पाता है। जा तुझे ना लोग अब सताएंगे, आज सब तेरा मान बढ़ाएंगे, जो मुझे राम कहते थे वही अब रामचंद्र बुलाएंगे। जो मुझे राम कहते थे वही अब रामचंद्र बुलाएंगे। धन्यवाद। अब अपने विचार प्रस्तुत करने आ रहे हैं श्री हरिशंकर सिंह। श्रद्धेया अंजलि मैम, हम सबकी मार्गदर्शिका आदरणीय प्रधानाचार्य जी, हिंदी विभाग के अध्यापक अध्यापिका वृंद, प्यारे बच्चों, आज ये कवि सम्मेलन अंजलि मैम की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हो रहा है, जो कि स्वयं एक सुधी कवित्री हैं। उनकी कविताएं हम लोगों ने कभी कभी सुनी है, पेपर में मैंने पढ़ा था। तो मैं कहना चाहूँगा अपने प्यारे बच्चों से, जो बहुत अच्छी इस लेवल की कविता शायद हम नहीं लिख सकते हैं, बच्चे जो लिखे हैं, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी इनकी बात है। मुँह की डॉक्टर राही मासूम रजा की पंक्तियों के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा। मुँह की बात सुने सब कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाज़ों की बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। आपके अंदर इतने भाव हैं, अगर आप खामोश रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। ये सिलसिला चल पड़ा है तो चलता ही रहे, ऐसा मैं मैम से निवेदन करूंगा, प्रधानाचार्य जी से। मैं अपनी छोटी सी कविता, अभी शिक्षक दिवस बीता है उसी से संबंधित शिक्षकों को समर्पित। प्यारे बच्चे अच्छे बच्चे सच्चे बच्चे दिखते हैं, अध्यापक को सारे बच्चे अपने बच्चे दिखते हैं। झोपड़पट्टी महल गाँव में न्यारे बच्चे दिखते हैं, ये हम लोग बाहर भी बात करते हैं। जयपुरिया स्कूल ने जो प्रयास किया है गरीब बच्चों को पढ़ाने का, मुझे लगता कि उनकी हैसियत नहीं थी आने की, लेकिन मैम ने जो प्रयास किया वास्तव में सराहनीय है, और हम लोग बाहर भी इसकी चर्चा करते हैं। झोपड़पट्टी महल गाँव में न्यारे बच्चे दिखते हैं, शिक्षा पर अधिकार है जिनके, ऐसे बच्चे दिखते हैं। शिक्षा नहीं महल में रहती, फलती नहीं बगानों में, शिक्षा का ना कोई मजहब, बिकती नहीं दुकानों में,
शिक्षा उसकी जो श्रद्धा से उसको पास बुलाता है, शिक्षक वह जो निष्ठा से सच्चा ज्ञान लुटाता है, बच्चों में बस अध्यापक को भाग्य विधाता दिखता है, इसीलिए वह पूरे जीवन बच्चों को ही सींचता है। राष्ट्र हमारा जिससे संवरे, ऐसे बच्चे दिखते हैं, अध्यापक को सारे बच्चे अपने बच्चे दिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आदरणीय स्मृति रेखा सिंह मैम को अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अंजलि मैम, प्रामिनी मैम, मेरे प्रिय साथियों और बच्चों, जिस प्रकार हर धार्मिक अनुष्ठान के पश्चात क्षमा याचना होती है, मैं भी आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगी कि जैसे ईश्वर अपने अज्ञानी उपासक को क्षमा कर देता है, मेरी त्रुटियों के लिए क्षमा कीजिएगा। क्योंकि कविता मैं लिखती नहीं और मेरी समझ में कवि तो पैदाइशी होते हैं, आप देख ही रहे, लेकिन फिर भी मेरी हेड किरण मैम का आदेश था और उसका पालन करना, आदेशों का पालन करना हमारे संस्कार है, तो छोटा सा प्रयास है, क्षमा कीजिएगा। जैसे सभी बच्चे, सभी लोग अपने माता पिता से बहुत जुड़े होते हैं, मैं भी अपने माता पिता से बहुत जुड़ी थी। कोई भी भाव उनको याद किए बिना शुरू ही नहीं होता, तो सुबह जब सोचने लगी तो उन्हीं से विचार शुरू हो गए। एक संस्मरण बांटना चाहती हूँ, शीर्षक रखा है नेह का नाता। नेह का नाता। एक दिन बचपन की छोटी सी चहकती हुई चिड़िया सी, मैंने पूछा अपने पिता से, चलती है यह धरती किस पर? गोद में उठाकर बड़े प्यार से चुमका कर वे बोले, बेटा पृथ्वी चलती है अपनी धुरी पर। बस फिर क्या था, छोटे से मन पर भारी भार आ गया, धुरी क्या है यह विचार खा गया। मुझे लगा हाँ, माँ ही वह धुरी है, आखिर हमारी दुनिया तो उसी पर घूमती है, उसी की गोद से तो मौसम बदलते हैं, अंक में समाले तो गर्म नहीं तो सर्दी से ठिठुरते हैं। फिर लगा हाँ, पिताजी भी तो हो सकते हैं धुरी, उन्हीं से तो है घर में सारी खुशियां भरी, उनकी उंगली पकड़कर पार्क के चक्कर लगाना, क्या यही है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूम जाना। इस लाड़ दुलार में कब मैं बड़ी हो गई पता ही नहीं चला, ईश्वर ने इस धरती को कब अपनी धुरी से अलग कर दिया पता ही नहीं चला। आई लॉस्ट माई पेरेंट्स वेरी अर्ली। मौसम अब भी आते जाते हैं, दिन रात अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो फिर ध्यान आया आखिर कौन है ये धुरी जो मेरे जीवन को अब भी चला रही है, जो जीवन के झंझावातों से मुझे अब भी बचा रही है। मैं अब बड़ी हो चुकी हूं, जीवन की धुरी को अब जाकर समझ चुकी हूं, यही धुरी है नेह का नाता, यही नेह सबका संसार चलाता। नेह मने स्नेह, प्रेम। नेह ही तो हमें पशु से इंसान है बनाता, आत्माओं के बंधन को भी तो यही नेह निभाता, ईश्वर से भी तो है यही नेह का नाता, जिसे वो परमात्मा है हर हाल में निभाता, हर मुसीबत में संकट में मैं बेदाग निकल पाता, यही तो है नेह ईश्वर का, जिसे इंसान कभी न समझ पाता, जिसे इंसान कभी न समझ पाता। अब अपनी कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं कक्षा 4D के शौर्य सिंह।
एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मेरी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तूने ही मुझे चलना सिखाया है, तूने ही मुझे मुश्किलों से लड़ना सिखाया है। तू मेरी जान है, तू ही मेरी दृष्टि, तू करती है सारे घर के काम, मैंने तुझे नहीं देखा कभी करते हुए आराम। तूने ही मुझे बोलना सिखाया है, तूने ही मुझे सब करना सिखाया है। तू ही मेरी जान है, तू ही मेरी दृष्टि, तू ही मेरी जान है, तू ही मेरी दृष्टि। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है। धन्यवाद। अब हम सबके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने आ रही है अभि शर्मा चार दी। मैं कक्षा चार डी की छात्र अतिभि शर्मा स्वरचित कविता आपके सामने प्रस्तुत जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सीखो। आए इनसे, आओ इनसे सीख ले। बगिया के फूलों से सीखो खिल खिलाना, दिए की बाती से सीखो अंधकार को दूर भगाना। पेड़ से सीखो आंधी पानी में भी हंसते हुए रहने, दूध और पानी से सीखो मिलजुल कर रहना। धन्यवाद। अब कविता प्रस्तुत करने आ रही हैं कक्षा चार जी की हायरल यादव। स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है माँ। मेरी माँ मुझे जग में सबसे अच्छी लगती, मेरी माँ मुझे जग में सबसे सुंदर लगती। वह अच्छे पकवान बनाती, वह प्यार से हमें खिलाती। जब मुझ पर कोई मुसीबत आती, आप ही हमें मुसीबत से निकालती। मेरे मन की बात वह जानती, बिना कहे वह इच्छा पूरी कर देती। मेरी माँ मुझे जग में सबसे अच्छी लगती, मेरी माँ मुझे जग में सबसे प्यारी लगती। धन्यवाद। अगली हम सबके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने आ रही हैं देवयानी शर्मा 6D। कक्षा 6D की छात्रा आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मैं हूँ बेटी। आई हूँ स्वर्ग लोक से लेकर खुशियों की सौगात, प्यार भरा है दिन ये मेरा, है इरादे मेरे फौलाद। कोमल कली तुम मुझे न जानो, दुर्बल तुम मुझे न मानो। माँ पापा की हूँ मैं दुलारी, भाई बहन की हूँ मैं प्यारी। चिड़ियों सी चहक है मेरी, है पतंग सी उड़ान। मुझे न मारो मुझे बचा लो, मुझे न मारो मुझे बचा लो। मैं हूँ इस देश की बेटी, मैं हूँ बेटी, मैं हूँ बेटी। धन्यवाद। अब कविता पेश करने आ रही हैं कक्षा 6 की शांभवी वर्मा। नमस्कार, मैं शांभवी वर्मा कक्षा 6 की छात्रा आप सबके समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है माँ का दर्द। जिसने त्याग दिया संसार उसकी परवरिश के लिए, जिसने छोड़ दी मोहमाया उसकी तरक्की के लिए, जिसने दे दिया बलिदान अपनी खुशियों का उसके लिए, लेकिन क्या परिणाम मिला उसे उस त्याग का। जिन हाथों के आशीष से बिगड़े काम बन जाते हैं, वह वृद्ध हाथ आज क्यों है मजबूर काम करने के लिए। मानते हैं कि माँ का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन क्या उसके 1% भी नहीं आया जा सकता। एक माँ की गुहार उसके दिल में ही रह गई, उसको देखने के लिए उसकी आंखें तरस गईं। वह क्रूर व्यक्ति होगा जिसने ऐसा कर्म किया होगा, क्योंकि खुश नसीब होते हैं वो जिन्हें माँ मिलती है और
बहुत बदकिस्मत होते हैं वो जिनकी माँ वृद्धाश्रम में होती है। धन्यवाद। आदरणीय, मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है शिक्षा का महत्व। शिक्षा एक अनमोल रत्न है, गली गली लगाओ नारा, एक साथ सब मिल चलकर बोलो शिक्षा का जयकारा। शिक्षा ही महान बनाती, शिक्षा ही जीना सिखाती, बिन शिक्षा पशु है मानव, फैला दो ये बात जग सारा। शिक्षा से ही मिटता अंधियारा, जब शिक्षित होंगे नर नारी तो मिटेगी दिक्कत है सारी। शिक्षा जैसा दान नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई काम नहीं, तो देखो परखो और जानो कि शिक्षा एक अनमोल रत्न है, शिक्षा एक अनमोल रत्न है। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय जया पांड्या मैम को अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अंजलि मैम, प्रॉमनी मैम, अनम मैम और माननीय पद्मा मैम एंड किरण मैम, हमारे प्यारे मित्रों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में पर्यावरण एक हमारी एक ऐसी विषम समस्या है जिसकी तरफ मानव का ध्यान बहुत कम जा रहा है। मैं आज अपनी कविता के माध्यम से आप सबका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि हमारे पर्यावरण को आप बचाने का प्रयास करें। हमारी एक छोटी सी प्रस्तुति स्वरचित कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। मैं जया पांड्या हिंदी विभाग से। मेरी कविता का शीर्षक है धरती माँ पुकार रही। जन जन की चेतना का आज संचार करो, जन जन की चेतना का आज संचार करो, वक्त की कीमत जानो न बर्बाद करो, वक्त की कीमत जानो न बर्बाद करो। यत्नों से सींचे आंगन का, यत्नों से सींचे आंगन का विस्तार करो, यत्नों से सींचे आंगन का तुम विस्तार करो, धरती माँ पुकार रही ये आभार करो। मिट्टी की वह सौंधी खुशबू, मिट्टी की वह सौंधी खुशबू कहाँ खो गई, मिट्टी की वह सौंधी खुशबू कहाँ खो गई, नदियों की किलकारियाँ गुम हो गई, वृक्षों के मदमस्त नित्य का, वृक्षों के मदमस्त नित्य का तुम आभास करो, धरती माँ पुकार रही तुम आभार करो। नव किसले पुष्प सा, नव किसले पुष्प सा यह वक्त आया है, नव स्फूर्ति नव संचार का संदेश लाया है। आशा किरणों से सृष्टि का निर्माण करो, धरती माँ पुकार रही ये आभार करो। एक आखिरी लाइन, चार लाइनें बोलूंगी। हे भाग्य विधाता, ये सब हमारे लिए है, ये आखिरी पंक्तियां हम सबके लिए हैं। हे भाग्य विधाता जंजीरों को तोड़ना तुम, हे भाग्य विधाता जंजीरों को तोड़ना तुम, लक्ष्य की गांठ को बांध कर रखना तुम, लक्ष्य की गांठ को बांध कर रखना तुम, बंद मुट्ठी में लकीरों का निर्माण करो, बंद मुट्ठी में लकीरों का निर्माण करो, धरती माँ पुकार रही तुम आभार करो, तुम आभार करो। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब हमारे बीच कविता पेश करने आ रही है कक्षा 5 जी की तशबीह जाफर। मैं तशबीह जाफर कक्षा 5 जी की छात्रा आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हैं एक स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस का दिन है आया, ढेर सारी खुशियां लाया, उनको तुम उपहार दो, ढेरों आशीर्वाद लो। शिक्षक दिवस का दिन है आया, ढेर सारी खुशियां लाया, दिन उनका तुम बहलाओ, सामने उनकी तुम झुक जाओ। शिक्षक दिवस का दिन है आया, ढेर सारी खुशियां लाया, इस उत्सव को बहुत मनाओ, तुम उनको खुशियां दे जाओ। शिक्षक दिवस का दिन आया, ढेर सारी खुशियां लाया, साफ बात है उनका दिल, हमें अच्छा बनाना उनकी मंजिल। शिक्षक दिवस का दिन आया, ढेर सारी खुशियां लाया, वे करते हैं हमसे प्यार, कभी नहीं पाएंगे हार। शिक्षक दिवस का दिन आया, ढेर सारी खुशियां लाया, उनका ऊंचा नाम करेंगे, सपने हम साकार करेंगे। धन्यवाद। अब हम सबके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं कुमार सम्यक कक्षा 7F। कई
कई लोगों की मृत्यु डेंगू की वजह से हो रही है और कई लोग बीमार हैं, इसीलिए मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है मच्छर चालीसा। जय मच्छर भगवान उजागर, तुम अति रोगों के सागर, नगर दूत अटलित बलधामा, तुमसे जीत न पाएगा मां। गुप्त रूप धरि तुम आ जाते, मधुर मधुर खुजलाहट लाते, तुम डेंगू के हो दाता, तुम खटमल के छोटे भ्राता, पावे रोग बड़े सब पीरा, जो सुमझे मच्छर बलबीरा। मच्छरदानी काम न आवे, डीडीटी को छसर न दिखावे, चाहे जितना रोग लगावे, जय 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 मच्छर हवाई, मॉर्टिन भी कुछ काम न आई, काटे काटे तो फूले गाल, तुम्हारा होगा इसका बुरा हाल, जय मच्छर भगवान उजागर, तुम अति रोगों के सागर। धन्यवाद। अब अपनी प्रस्तुति देने आ रही हैं कक्षा 11 डी की सृष्टि मिश्रा। मंजिलों की राह पे चल पड़ी बेखबर, ना सहेगा ना रुकेगा ना झुकेगा ये सर। मंजिलों की राह पे चल पड़ी बेखबर, ना सहेगा ना रुकेगा ना झुकेगा ये सर। चाहे जोर तू लगा ले, कर मुझे मौत के हवाले, मेरी हौसला आजमा ले। मन्ना सहेगा ना रुकेगा ना झुकेगा ये सर। मेरे मन ने कहा जो उठाना है करके अब कुछ तो दिखाना है, हाथ में दूजा हाथ हो ना हो आगे बस बढ़ते जाना है। कल की हो नहीं फिकर, आज का ही हो जिक्र, तुझे जो करना है तू कर। मन्ना सहेगा ना रुकेगा ना झुकेगा ये सर। थैंक यू। अब हम सबके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं दीपांशु प्रसाद, कक्षा 8B। आदरणीय प्रिंसिपल मैम, अंजलि मैम, अध्यापक गण और मेरे प्यारे मित्रों, मैं दीपांशु प्रसाद, कक्षा 8B का छात्र, आज आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है भारत है स्वतंत्र हमारा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारत है स्वतंत्र हमारा, भारत है स्वतंत्र हमारा, अंग्रेजों ने जब चलाया अपना राज, भारतीयों ने उनके खिलाफ उठाई आवाज। गांधी जी की उदारता, सुभाष चंद्र जी की वीरता, भगत सिंह ने दिया बलिदान, तभी तो हुआ भारत महान। इनकी कुर्बानियों से भारत में आया एक नया सवेरा, फिरंगियों को मार भगाया, भारत को स्वतंत्र कराया। तिरंगा है भारत की शान, करते हैं सब इसे सलाम, स्वतंत्रता का प्रतीक है तिरंगा हमारा, भारत है स्वतंत्र हमारा, भारत है स्वतंत्र हमारा। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर निधि श्रीवास्तव को। श्रद्धामयी अंजलि मैम, आदरणीय प्रिंसिपल मैम, गोयल मैम, डियर अनम मैम, श्रेष्ठ अध्यापक गण एवं मित्रों, प्रिय बच्चों, मैंने छोटी मोटी कविताएं तो लिखी हैं, लेकिन मंच से कभी भी मैंने कोई कविता का पाठ नहीं किया, और प्रॉमनी मैम की प्रेरणा से मैं आज यहाँ पर आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है झूठ के रंग हजार। झूठ के रंग हजार, झूठ बड़ों से सीखे बच्चे, भला रहे फिर कैसे सच्चे। दरवाजे आगंतुक आया, पापा को आवाज लगाया, सुन आवाज को चुप्पी साधी, जैसे हो कोई अपराधी। जरा ठहर कर संयम साधे, दोनों हाथ को पीछे बांधे, फिर हंसकर धीमे से बोले,
वाणी में मिसरी सी घोले, जा कह दे पापा गए कहीं हैं, जा कह दे पापा गए कहीं हैं, देखा घर में कोई नहीं है, अनजाने ही हृदय पटल पर अंकित हो गए वार, झूठ के रंग हजार, झूठ के रंग हजार, जन जन में फैला झूठ का पहरा, प्रश्न चिन्ह बन गया है गहरा, पुलिस कचहरी व्यापार मंद है, नहीं कोई किसी से कम है, नेताओं की झूठी नारी पूरा करेंगे सारे वादे, भारत की हर गली नुक्कड़ पर झूठ लोटता है सरहद पर, झूठ बोलना हम सबका है जन्म सिद्ध अधिकार, झूठ के रंग हजार, झूठ के रंग हजार। पर बच्चों जरा ध्यान से सुनना, सच झूठ के अंधकार में हीरे सा चमकता है, सच झूठ के अंधकार में हीरे सा चमकता है, पर झूठ छनक कर इस संसार में कांच सा बिखरता है, कांच सा बिखरता है, सच नहीं कभी होता है आहत, जीवन में रहती है राहत, यही प्रकृति का है उपहार, सत्य के ढंग हजार, सत्य के रूप है ढंग हजार। थैंक यू। धन्यवाद मैम। अब मैं आदरणीय अनीता सिंह मैम को अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हेलो, नमस्कार मैम। आदरणीय अंजलि मैम, प्रामणी मैम, अनम, किरण सिंह मैम, पद्मा मैम, अन्य शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, अभी इन दिनों कबीर मिशन से कुछ टॉपिक्स आए थे मैम, हम लोग लिख रहे थे, उसी में मेरी लेखनी बरबस एक आदर्श कौन और क्यों उस पर चल पड़ी, और मैं दो शब्द सुनाना चाहूँगी। बचपन से लेकर आज तक बनकर मेरा साया, जैसे कोई बट वृक्ष हो दी पिता ने छाया। शीर्षक है, मेरे आदर्श हैं मेरे पिताजी, उन पर मैं लिखी हूँ। सुन चुन लिए राह की मेरी, फूल दिया मुझको, जीवन के सब ब्याज चुकाकर मोल दिया मुझको, पितृ ऋण पिता मैंने अब तक नहीं चुकाया, अब तक नहीं चुकाया, जैसे कोई बट वृक्ष हो दी पिता ने छाया, गूढ़ मंत्र जीवन का देकर जीना सिखाया, गिर गिर कर संभलना दुख को हंस हंस कर पीना सिखाया, जो कुछ है अब तक तेरे आशीषों से ही पाया, तेरे आशीषों से ही पाया, जैसे कोई बट वृक्ष हो दी पिता ने छाया, संस्कार सीखे जो तुमसे अब बच्चों में फैलाती हूँ, झूमती हूँ संग उनके, हंसती हूँ गाती हूँ, पिता तुम्हारा बाल रूप इन बच्चों में है पाया, इन बच्चों में है पाया, जैसे कोई बट वृक्ष हो दी पिता ने छाया, बचपन से लेकर आज तक मेरा साया, जैसे कोई बट वृक्ष हो दी पिता ने छाया। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब हमारे बीच अपनी कविता प्रस्तुत करने आ रही हैं कक्षा 11F की सृष्टि श्रीवास्तव। सुप्रभात शिक्षकगण, मैं सृष्टि श्रीवास्तव आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरे माता पिता मेरी प्रेरणा। इस संसार में आने का मौका जिनसे मिला, इस संसार में सब कुछ जानने का मौका जिनसे मिला, वे माता पिता हैं मेरी प्रेरणा, मेरे माता पिता मेरी प्रेरणा। माँ है तो अस्तित्व है, पिता है तो पहचान, जग ने भी जिसे माना है भगवान, वो माता पिता हैं मेरी प्रेरणा, मेरे माता पिता मेरी प्रेरणा। जिन्होंने जीने का ढंग बतलाया, जिन्होंने जिंदगी में हंसना सिखलाया, जिनसे है ये संसार सारा, वे माता पिता हैं मेरी प्रेरणा, मेरे माता पिता मेरी प्रेरणा। माँ जो एक वृक्ष है, जिसके नीचे बैठ के जिंदगी के सारे दुख कट जाते हैं, और पिता जो एक सूर्य है, जिसके प्रकाश से
जिंदगी के सारे अंधकार मिट जाते हैं। वे महान माता पिता हैं मेरी प्रेरणा, मेरे माता पिता मेरी प्रेरणा। जिंदगी जिनकी ही देन है उन्हें कभी ना भूलना। जिंदगी जीत के लिए सब कुछ हारा हो और जिसको तुमने हर दर्द में पुकारा हो, वो माता पिता है मेरी प्रेरणा, मेरे माता पिता मेरी प्रेरणा। धन्यवाद। ये बताना चाहती हूँ कि इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई। हुआ ऐसा कि एक दिन हम और मैम फ़ोन पर बात कर रहे थे और मैम ने मुझसे कहा कि मैंने कुछ लिखा है और मैं सुनाना चाहती हूँ आपको, और वो चीज़ मेरे मन को बहुत छू गई। उससे पहले बहुत दफ़े ऐसा हुआ कि किरण मैम ने मुझे स्पाइरल बाइंड करके आप सब लोगों की बच्चों की कविताएं दी और बहुत से बच्चों ने कविताएं असेंबली में पढ़ी। इतनी सुंदर कविताएं बच्चे लिखते हैं कि मुझे लगा इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए और जो इतने अच्छे अच्छे पोइट्स हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ बैठ कर एक दूसरे की पोइम सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर दूसरी सोच मेरे दिमाग में ये थी, यदि बच्चे अच्छा लिख रहे हैं तो ज़रूर जाहिर सी बात है कि टीचर्स भी ऐसे होंगे जो अपने बारे में बताते नहीं हैं। इसीलिए मैंने किरण मैम से आग्रह किया कि टीचर्स को भी इस मंच पर लाएं, और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ छोड़े नहीं। चिल्ड्रन आर यू एंजॉइंग? ओके, ऑलराइट। तो जहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई, मैं मैम से आग्रह करूंगी कि प्लीज़ अपनी एक पोएम अभी सुनाएं और फिर थोड़ी देर बाद कुछ और भी सुनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखी है मैम और मैंने 2-3 कविताएं सुनी हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा सुंदर कविताएं लिखते हैं और आपके सामने सुनाने में थोड़ी सी शर्म भी आती है। नहीं, सच्ची बात है। तो मोक्ष के ऊपर कुछ सुनाए, क्योंकि सब लोग बोलते हैं मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। अभी मोक्ष क्या चीज़ है मुझे तो पता नहीं, तो मुझे क्या चाहिए वो मैं ईश्वर को, अपने कृष्ण को शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश कर रही थी, वो सुनाती हूँ। नहीं, इसके शीर्षक, कविता का शीर्षक है नहीं चाहती मोक्ष। नहीं चाहती मोक्ष, न जानूं है ये किस चिड़िया का नाम। नहीं चाहती मोक्ष, न जानूं है ये किस चिड़िया का नाम। एक तत्व से क्या करना है, क्यों चाहूं इसमें विश्राम। हे सखा देव मेरे प्रियतम, हूँ तेरी दर्शन अभिलाषी। दे दे साक्षात प्रिय दर्शन, हे हृदय गुह्य के चिरवासी। दर्शन तेरा हो अभिनंदन, नित्य अनन्य ओनली यू, माने नित्य ऑल द टाइम एंड ओनली यू, नित्य अनन्य तेरा वंदन। नहीं चाहती मोक्ष, मैं चाहूं तुझसे स्थाई चिरबंधन। मधुकण ना ले सके आनंद अपने मधुत्व की मधुता की। लाइक वेन यू हैव अ पॉट ऑफ हनी एंड देर आर ड्रॉपलेट्स ऑफ हनी, दे ऑल बिकम एक तत्व विद ईच अदर, सो दे कांट टेस्ट देयर ओन स्वीटनेस, राइट। मधुकण ना ले सके आनंद अपने मधुत्व की मधुता की। एक तत्व हो ले सकूंगी क्या आनंद तेरी मधुरता की। इफ आई बिकम वन विद यू आई वोंट बी एबल टू टेस्ट योर स्वीटनेस। मैं तो आनंद की खोज में अन्वेषण करती चिरकाल से, अविरल टकों जड़ चेतन में भर घट को इस आहलाद से। दैट आई शुड बी एबल टू सी यू इन एवरीथिंग, वेदर इट इज जड़ और इट इज चेतन, आई शुड बी एबल टू एक्सपीरियंस यू। नहीं चाहती मोक्ष, न जानू है ये किस चिड़िया का नाम। एक तत्व से क्या करना है, क्यों चाहूँ इसमें विश्राम। तेरी थी तेरी हूँ तेरी ही रहूँगी हे प्रभु। जड़ चेतन में प्रियतम तेरे दर्शन की है आरजू। समर्पण की अंजलि चढ़ी दर्शन करूंगी रूबरू, दर्शन करूंगी रूबरू। धन्यवाद मैम। अब हम सबके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं कक्षा 8 सी के छात्र दिव्यांशु शुक्ला। 8G के छात्र।
नमस्कार, मैं कक्षा 8 जी का छात्र दिव्यांश शुक्ला आपके समक्ष अपनी कविता स्वरचित कविता प्रस्तुत करना जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है विश्वास। हमको है विश्वास नया संसार बनाएंगे, हमको है विश्वास नया संसार बनाएंगे, जन्मेंगे जिसमें वीर जवान न्योछावर करने अपनी जान। नया सवेरा नया उजाला हम भारत में लाएंगे, नया संसार बनाएंगे, भेदभाव कोई नहीं करेगा, निर्मल प्रेम सदा बहेगा, ना लड़के लड़की का होगा भेद, ना होगा जाति धर्म का, सभी कर्म करेंगे फल पाएंगे, हमको है विश्वास नया संसार बनाएंगे। ये धरती है वीर जवानों की, ये धरती मेहनती किसानों की, जगह ना हो यहाँ हिंसा की नफरत की, ममता समता का मंदिर हम यहाँ बनाएंगे, हमको है विश्वास नया संसार बनाएंगे, हर एक बुराई को यहाँ से दूर भगाएंगे, नया सवेरा नया उजाला हम भारत में लाएंगे, हमको है विश्वास नया संसार बनाएंगे। धन्यवाद। अब कविता पेश करेंगे कक्षा 10 ई की वानिया। नमस्कार, मैं वान्या रे अपनी स्वरचित कविता समाज के लिए मेरा स्वप्न प्रस्तुत करने जा रही हूँ। काश यहाँ हर गरीब बच्चा पढ़ता, काश हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी ना लड़ता, काश कोई भी खाली पेट न सोता, काश प्यार का बीज हर कोई बोता, काश किसी बेटी का पिता ना होता मजबूर, काश अपनी कमाई से खुश हो पाता मजदूर, काश हम समझ पाते पैसे की कीमत, काश ईमानदारी से लेता हर नेता अपना मत, काश हम अपने वेतन से थोड़ा सा करते दान हर माह, काश हम हर उस जरूरतमंद की मदद करते जो आता हमारी राह, काश हम भ्रष्टाचार का छाप मिटा देते, काश कीमत से नहीं प्रेम से भेंट लेते, काश हम समझ पाते माँ बाप का प्यार, काश पैसों को महत्व देकर ना बनाते यार, काश हम खत्म कर पाते चोरी चकारी, काश हम समझ पाते कमजोर की लाचारी, काश हम सही दिशा में जाने की कोशिश करते, काश हम देश के लिए जीते और देश के लिए ही मरते, काश हम अपने कर्मों से लाते एक ऐसा कल, और काश स्वप्न सा बना देते धरती का हर एक पल, हर एक पल, हर एक पल। धन्यवाद। अब हमारे बीच अपनी कविता प्रस्तुत करने आ रही हैं अर्षिता वैश्य कक्षा 8A। नमस्कार, मैं अर्षिता वैश्य कक्षा 8A की छात्रा आप सबके समक्ष एक प्रस्तुत कविता एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है काश यह धरती एक देश होती, मजहब का कोई नाम ना होता, सरहद जैसा कोई देश ना होता, हिंसा में केवल प्यार ही प्यार होता, जातिवाद का भेद ना होता, मानव धर्म का त्यौहार मनाते और सब मिलकर साथ खाते, अंधविश्वासों का कोई नाम ना होता, सारी दूरियां मिट जाती सारे बंधन तोड़कर, काश धरती एक देश होती और हम इसके वासी होते। थैंक यू। अब अपनी कविता प्रस्तुत करने आ रही हैं आदरणीय डॉक्टर उषा राय। आदरणीय अंजलि मैम, टॉमिनी मैम, अनम, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ ये नवसृजन के बच्चों को समर्पित है, नवसृजन के बच्चों को समर्पित है, जिसका शीर्षक है गीली माचिसें। गीली माचिसों की तरह आज भी सड़कों और गलियों में घूमते हैं अंगराहित बच्चे, सदियों की सीलन सवार है उनकी कच्ची उम्र के सीने पर, घरों के पीछे टूटी छतों के नीचे हमारी लापरवाही और बेरुखी झुंझुने की तरह बचाती है उन्हें, धूप तो तय थी उनके लिए, धूप तो तय थी उनके लिए जो किसी चांदनी के साए में पलने लगी है अब, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, बस एक ही नज़र चाहिए, अंजलि मैम की नज़र, बस एक ही नज़र चाहिए, तबीयत भर
गर्म भरोसे की, भूख में रोटी सी, खेल में जीत सी, तबीयत भर गर्म भरोसे की, भूख में रोटी सी, खेल में जीत सी, ठिठुरन में माँ की गोदी सी, ठनठनाते सिक्कों की तरह चमकनी और बजने लगेंगी, ठनठनाते सिक्कों की तरह चमकती और बजने लगेंगी ये गीली माचिस, और जल जाएंगे असंख्य दीप इन तंग हाल उदास अंधेरों में, जल जाएंगे असंख्य दीप इन तंग हाल उदास अंधेरों में। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है दूसरी कविता का शीर्षक है ताले। प्यार किया है मैंने उन लोगों से जिनकी जीवन में बाहर निकलने के रास्ते में कहीं ना कहीं पड़े हैं छोटे बड़े ताले। प्यार किया है मैंने उन लोगों से जिनके जीवन में बाहर निकलने के रास्ते में कहीं ना कहीं पड़े हैं छोटे बड़े ताले, जिन्हें पास रहकर भी वे खोल डाले। ताले लोहे चांद पुराने सरोकारों में देखते हैं पेड़ पौधों में अंकुरण से फल फूल तक, देखते हैं पेड़ पौधों में अंकुरण से फल फूल तक, वसंत से पतझर तक, समझ में आता है जीवन पल पल बदलता है प्रकृति के साथ जीवन जहां, पल पल बदलता है प्रकृति के साथ जीवन जहां, क्यों लगा रखी हैं हमने अनगिनत ताले वहां। अब मैं कक्षा 8F की छात्र सिद्धार्थ लाल को अपनी प्रस्तुति कहने के लिए बुलाती हूँ। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ लाल कक्षा 8F का छात्र अपनी एक स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है आत्मसम्मान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जिसके पास नहीं होता है आत्मसम्मान उसका समाज में होता है सिर्फ अपमान। अगर खुद को ना चाहे कोई तो पछताएगा वो ही। मैं आत्मसम्मान का महत्व जानता हूँ एवं इसको मानता हूँ। ना जाऊंगा कभी अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध, चाहे लड़ना पड़ जाए मुझे पूरी दुनिया से युद्ध। जिंदगी में ना वो कुछ कर बन पाएगा, अपने माता पिता का सिर ऊंचा करे बिना गुजर जाएगा। इसलिए अपने आत्मसम्मान के गीत गाओ, हंसते हंसते सारे युद्ध जीत जाओ। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय निधि सक्सेना मैम को अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। और जैसा कि आप सभी मेरे साथी जानते हैं, मैं कविता नहीं लिखती हूँ, लेकिन प्रोमनी मैम की प्रेरणा और किरण मैम के आदेश अनुसार मेरा ये पहला प्रयास है, इसलिए मैं क्षमा याचना भी करना चाहूँगी। शीर्षक है परिवार और चरित्र निर्माण। परिवार जीवन की है पाठशाला, सांस्कृतिक मान्यताओं की है कार्यशाला। दादी बाबा होते हैं हेडमास्टर, माता पिता निभाते हैं शिक्षक का किरदार। भाई बहन बनते हैं सहपाठी, प्रेम पुरस्कार होती है सहगामी। फिर चरित्र परीक्षा की जाती है दिन रात तैयारी। सेवा सहयोग नैतिकता होती है पाठ सामग्री। समाजवाद मानवतावाद पर प्रश्न होते और वसुधैव कुटुंबकम ही उसके उत्तर होते। संस्कारी सभ्य चरित्रवान होता परिणाम। इस तरह परिवार में होता चरित्र निर्माण, परिवार में होता चरित्र निर्माण। धन्यवाद मैम। अब हमारे बीच कविता पेश करने आ रही है कक्षा 10F की समृद्धि रस्तोगी। ये कविता राधा कृष्ण के ऊपर है। जैसा कि हम सब जानते हैं राधा कृष्ण प्रियतम थे, पर ये विरह के ऊपर ये कविता है। अपनी सखी से बोली राधा, कैसे भुलाऊं मैं कान्हा को, अभी तक आए नहीं हैं, कैसे सहन करूं इस पीड़ा को। नहीं लग रहा मेरा मन बिना उस प्यारे नंद लाला, दुबला हो गया मेरा पूरा बदन,
भारी लग रही है फूलों की माला, ठंडी और सुगंधित मलय पवन जो महका देती है पूरा वृंदावन, भी प्रतीत हो रही है विष जैसी, हे गोविंद ये आपकी माया कैसी। चिड़ियों का आना और उनका चहचहाना भी लग रहा है मुझे शोर, क्योंकि मेरे साथ नहीं है माधव नंद किशोर। अपनी सखी से बोली राधा, कैसे भुलाऊं मैं कान्हा को, अभी तक आए नहीं है, कैसे सहन करूं इस पीड़ा को। धन्यवाद। भारी सभा इलेक्शन की थी, जोश हो गया उनका दूना। भारी सभा इलेक्शन की थी, जोश हो गया उनका दूना, भाषण खत्म किया नेता ने, शुरू किया पांवों का छूना। पुरुषों को दादा कहते थे, पुरुषों को दादा कहते थे, महिलाओं को देवी देवी, भावुकता में इतने जो भी पांव छू गए पत्नी के भी। भावुकता में इतने डूबे पांव छू गए पत्नी के भी, मतगणना से ज्ञात हुआ कि नेता जी की हार हो गई। पत्नी घर पे इंतजार कर रही थी, बोली तुमने अपने सातों पुरखे तारे, तुमने मेरे पांव छुए थे इसीलिए तुम्हारे। धन्यवाद। अब अपनी कविता प्रस्तुत करने आ रही है कक्षा 8C की छात्रा अदिति शुक्ला। नमस्ते, मैं अदिति शुक्ला कक्षा 8C की छात्रा आज आपके समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरे लिए आज़ादी क्या है। पक्षी उड़ते हैं आसमान में, ना कोई डोरी पकड़े उन्हें, कितना मधु है तब वो गाती, यही है उनकी आज़ादी। मेरी आज़ादी है, ना कोई जंजीर जकड़े मुझे, उड़ना चाहती हूँ पंछी बनकर, हंसना चाहती हूँ मैं खुलकर। लड़की समझकर मुझे कोई ना रोके, कुछ भी करने से मुझे कोई ना रोके, छू लूं हर ऊंचाई को मैं, कभी कभी सोचती हूँ क्या ये संभव है, न रोकी जाऊं मैं लड़कों की बराबरी करने से, कि होते हैं इतने प्रिय वे, क्या लड़की होना है पाप, क्या भगवान नहीं होते दोनों के साथ, जीवन स्त्री के बिना एकदम अधूरा है, ऐसी बात हर महान व्यक्ति ने है कही, मुझे सिर्फ चाहिए उस औरत के लिए सम्मान, जिसने दिया हमेशा दूसरों के लिए बलिदान। स्त्री होती है बंधी कई रिश्तों में, किसी की माँ किसी की बहन होती है वे, जो बनना चाहे वो बनने दो, उड़ने दो उसे उड़ना चाहे वो जिस आसमान में। ना हो भेदभाव मेरे साथ, ना कोई दिखाए बेवजह अधिकार मुझ पर, दिन ऐसे आए कि मेरे परिवार को वो गर्व मुझ पर, पढ़ने के मिले मुझे पूरे मौके, जाऊं कहीं भी ना कोई मुझे रोके, हवा को जैसे कोई पकड़ ना पाए, यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा भाए। मेरी आजादी ये है, ये मेरे स्वाभिमान को कोई ठेस ना पहुंचाए, प्यार मिले मुझे भरपूर, एक लड़की हो आंखों की नूर, अगर कोई भेदभाव ना करे, कोई भी बच्ची माँ की कोख में ना मरे, हर इंसान चाहे सिर्फ एक बेटी स्त्री का सिर्फ देती है, वे नहीं कभी किसी से है कुछ लेती। धन्यवाद। अब कविता प्रस्तुत करेंगे कक्षा 10A की कात्यानी। मैं कात्यायनी जोशी कक्षा 10E की छात्रा आपके समक्ष विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। तो कविता प्रस्तुत है, मानवता का हम दे परिचय, नवसृजन का कर ले निश्चय, जीवन पथ को करे सरलतम, भरे स्वरों में सुमधुर सुर लय, अपनेपन की रीत चलाएं, नए उजाला घर घर लाएं, आंगन आंगन द्वारे द्वारे संस्कृतियों की ज्योति जलाएं, रंगोली सा अंतर्मन हो, सद्भावों का वृंदावन हो, क्रोध कपट कालुष्य मिटाकर दानवता का पूर्ण दमन हो, खुशियों के कुछ दीप जलाकर दुर्भावों का हिम पिघलाकर, ऐसी कोई रीत चलाकर बने बंधु सब वैर बुलाकर, रहना है सबसे हिल मिलकर संस्कृतियों से परिचय लेकर, सबकी अड़चन दिल से सुनकर खुले हृदय से हाथ मिलाकर, हम विचरेंगे अपना बन के पास रहेंगे हम जन जन के, धरती अंबर सभी दिशाएं गीत सुनेंगे अपने पन के, सुमनों की सी खुशबू लेकर बढ़ते जाएंगे कुछ देकर, परिचय देंगे धरा गगन को स्नेह सभी को अपना देकर, विश्व हमारे घर के जैसा यहाँ सभी हैं रिश्ते मेरे, चलना मस्तक ऊंचा करके रहना है सबसे मिल करके, सागर से गिरी तक जाएंगे शीतलता हिमसी लाएंगे, झरनों की बाहों में जाकर गीत मिलन के हम गाएंगे,
विश्व बंधुत्व स्थापित करना नहीं है दुर्गम, जान लीजिए। सबको हम मानेंगे अपना, आज से मन में ठान लीजिए। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय डॉक्टर किरण सिंह मैम को अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय अंजलि मैम, आदरणीय प्रामणी मैम, आप दोनों के दिशा निर्देशन और उपस्थिति के कारण पूरे स्कूल में एक बेहद सकारात्मक माहौल है और इस सकारात्मक माहौल में ही कलाएं प्रस्फुटित और प्रफुल्लित हो रही हैं। मैं स्मृति मैम, हरिशंकर जी, अनीता मैम, नविता मैम, निधि मैम, निधि सक्सेना मैम, जया मैम, पद्मा श्रीवास्तव मैम की सेवक हूँ और पत्रिकाओं के अलावा क्लास फोरम में भी बच्चों ने स्वरचित कविताएं की, असेंबली में भी बच्चों ने स्वरचित कविताएं की, उसके बाद ये अलग से कविताएं हैं, एक भी कविता दोहराई नहीं गई है। तो ये इतनी अच्छी कवित्रियाँ न होती तो बच्चों में कैसे वो परावर्तित होता, इसलिए मेरा दृढ़ मत था कि बहुत अच्छी कवित्रियाँ हैं। और जी, तो जो आज सिद्ध भी हुआ, अब आप लोगों की खिदमत में कुछ पंक्तियाँ पेश हैं, कुछ दोहे हैं। धरती पर ही स्वर्ग है, नरक यहीं पर जान। धरती पर ही स्वर्ग है, नरक यहीं पर जान। अरे जैसी रखे नींव तू, वैसा बने मकान। किए हृदय में छेद जब, किए हृदय में छेद जब, सही चीरती पीर। किए हृदय में छेद जब, सही चीरती पीर, तभी बांस बंसी बने, बाजे जमुना तीर। कोलाहल सब थिर भया, फिर माहौल उदास। कोलाहल सब थिर भया, फिर माहौल उदास। क्षण भर को डाली कपी, उड़ पंछी आकाश। जो स्वभाव संगति वही, जो स्वभाव संगति वही, आए मन को रास। तुलसी संग तुलसी उगे, बांस बांस के पास। चोट लगी तो क्या हुआ, मैं तो हूँ अति छोट। चोट लगी तो क्या हुआ, मैं तो हूँ अति छोट। ग्रहण सूर्य को भी लगे, बादल कर दे ओट। गठरी पूरी उम्र की, पल में जली मसान। गठरी पूरी उम्र की, पल में जली मसान। पाना कितना कठिन है, खोना कित आसान। हिमगिर सी ये चोटियां, ऊंची अनंत अपार। हिमगिर सी ये चोटियां, ऊंची अनंत अपार। पंख खोल क्षण एक में, पंछी करता पार। धन की क्या है हैसियत, धन की क्या है हैसियत, पुनि जाए पुनियान। जाकर फिर फिरते नहीं, समय शब्द अरुप्राण। कोशिश मैंने की बहुत, मत कह बारंबार। कोशिश मैंने की बहुत, मत कह बारंबार। साथी हारे की नहीं, सुनता यह संसार। ना तो देवों पर चढ़े, ना महकाए सांस। ना तो देवों पर चढ़े, ना महकाए सांस। रूप वृथा है गुण बिना, जैसे फूल पलाश। और आखिरी दोहा है, पूरब पश्चिम की रही, यह भी तुलना खूब। पूरब पश्चिम की रही, यह भी तुलना खूब। उगता सूरज पूर्व में, उगता सूरज पूर्व में, पश्चिम जाता डूब। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैं डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव मैम को अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, मेरे अनुभवों के संसार में बच्चों का विशेष स्वागत है, क्योंकि ये कविता बच्चों को समर्पित है। आदरणीय मैम प्रामिनी आनम, कविता प्रस्तुत है, खोलो जरा। समझ। सड़क पर थी मैं प्रकृति के साथ, प्रकृति की हरियाली थी, मन को भिगो रही प्रकृति वो न्यारी थी।
धीरे धीरे सड़क पर सूनापन निराश करने लगा किसी को। प्रतीक्षा थी कोई आए, वजन ले और दो पैसे दे जाए। आए दो युवा, वजन ले आगे बढ़े, पैसे निकले नहीं पॉकेट से, चेहरे पर धूर्तता की चमक उभरी। दुखी मेरा मन सोचता रहा, संसार का दीपक बुझ रहा, धुआं छोड़ता हुआ। प्रश्न किया मन ने, दोषी हम तो नहीं? तभी दिखा एक युवक लकवाग्रस्त वृद्ध को संभालता, संग चलता हुआ, हाथ पकड़ सहारा बनता हुआ, उन्हें टहलाता हुआ, बार बार खुलती बंद होती उसकी मुट्ठी, मन की विकलता का किस्सा कह रही थी, कुछ न कर पाने की विवशता चेहरे से टपक रही थी। पता चला ये वृद्ध पड़ोस में रहने वाले अंकल हैं, बच्चों की दूरी नहीं पर वह भी संबल है। सोचती रही मैं, क्यों निराश हुआ जाए, मानवता का सूर्य ढला नहीं है, हर सत्य है, हर दिया बुझा नहीं है। कुछ दीपक अपनी बाती को खुद ही बढ़ाते हैं, औरों के लिए प्रकाश बन खड़े हो जाते हैं, औरों के लिए प्रकाश बन खड़े हो जाते हैं। आज बच्चों की कविताएं सुनकर, अध्यापिकाएं तो अध्यापिकाएं ही हैं, पता चला कि कितनी गहराई में है हमारे बच्चे। तो मुझे अभी वो पंक्तियां याद आ गई, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गीत, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ऐसे ही शायद सबकी आंखों से आज कविता बही है, और बच्चों के हृदय इतने गहरे हैं आज मुझे पहली बार पता चला। थैंक यू मैम। ये हम लोग वादा करते हैं कि हम सब लोग सामूहिक प्रयास से इसको जारी रखेंगे। धन्यवाद।